भारत ने आज अपने एक ऐसे लेजेंड को खो दिया है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के नाम समर्पित कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की, जो 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन की खबर के बाद से ही देश भर में शोक की लहर है। रतन टाटा एक ऐसे इंसान, एक ऐसे दिग्गज जिन्होंने ना केवल कारोबार पर फोकस किया बल्कि दूसरों की जिंदगियों पर भी खासा ध्यान रखा और हर संभव मदद की उन्होंने हमेशा कोशिश करी। दूसरों के लिए तो उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी काफी अधूरी थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उनके ऐसे अनकहे किस्सों की जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। अगर उनके किस्सों की हम शुरुआत करेंगे तो इतने किस्से हैं उनके कि हमारे पास समय काफी कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रेम कहानी जो उनकी थी उसको लेकर हम कुछ बात करना चाहेंगे। दरअसल अगर हम उनकी प्रेम कहानी की बात करें तो 4 बार रतन टाटा जी ने शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा ही असफल रहे थे। उन्हें US में प्यार हुआ था और उस वक्त वो शादी करने का भी पूरा मन बना चुके थे, लेकिन उसी बीच उनकी दादी का निधन हो गया था जिसके चलते उन्हें US से भारत वापस आना पड़ा। और उस वक्त वो सोच रहे थे कि उनकी साथी भी उनके साथ भारत आएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जबकि उनकी साथी की शादी जो है वो बाद में कहीं और हो गई थी। और इसी के साथ एक बार फिर उन्हें प्यार हुआ और उस वक्त जो लड़की थी उसके घर वालों ने उस लड़की को भारत भेजने से मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त पे भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा था जिसके चलते वहां पर भी वो एक बार असफल रहे। ऐसे कई किस्से थे जिसके चलते वो अपनी जिंदगी में अधूरे रहे, और इसका जिक्र, इस अकेलेपन का जिक्र भी उन्होंने कई इंटरव्यूज में किया है। अगर उन्होंने शादी की, आपने बहुत निजी जिंदगी की बात की पिंकी जी, तो उस पे मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। वो मसला था कि जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, उस दरमियान वो भारत लौट आए थे, उनकी परिवार में कुछ प्रॉब्लमें थी। उसके बाद जिस महिला के साथ थे वो मूलतः वो चाइना की रहने वाली है, अमेरिका में उनसे मुलाकात हुई थी। तो भारत और चाइना के बीच में इतना कुछ 62 के युद्ध हमने देखा है, तो इसलिए उनके परिवार ने, लड़की के परिवार ने चाइना से उन्होंने मना कर दिया था कि वहां शादी नहीं हो। बाद में वो महिला ने शादी कर ली थी। ये उनका आखिरी था। लेकिन एक बॉलीवुड के अदाकारा हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं है, उनके साथ भी उनके नाम जोड़े गए और एक मीडिया में हेडलाइन बनी। उम्मीद उनको चाहने वाले और देखने वाले कि शायद उनके साथ उनकी जोड़ी बन सकती थी। यूं कह लें कि जितना वो सरल और सादगी भरा उनका जीवन था, वो बहुत कुछ सिखाता है। बेशक अपनी जिंदगी में जब वो अधूरी रही कहें प्यार, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों पे प्यार लुटाया जिसे हम आप आज के जनरेशन में नहीं सोच सकते। उदाहरण के तौर पे बताऊं, मेरी माँ खुद एक कैंसर पेशेंट थी। अभी वो पिछले साल दिसंबर में उनकी डेथ हुई। मैं उस परिवार को देखा हूँ कि कितने मैसिव पैसे लगते हैं कैंसर कैंसर पेशेंट को। उन्होंने टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में उन्होंने उसको स्थापना की। उसके साथ साथ वो वाराणसी में उसका फ्रेंचाइजी है, चंडीगढ़ में, इतने महंगे इलाज जहाँ एकदम फ्री में इलाज होते हैं, कोई भी वर्ग हो वहाँ कोई शोर सिफारिश नहीं होती। इतना बड़ा विजन हेल्थ को लेके, जो कि आज आज के समय में हर तीसरा बंदा कैंसर से पीड़ित है, और एक एवरेज खर्चे की बात करें तो 20-25 लाख नॉर्मली है, 75 से 1 करोड़ तक खर्चे चले जाते हैं। उनके लिए इतना उन्होंने काम किया। ऐसे बहुत सारे उनके किस्से हैं। जैसे किसे एक और मैं आपको, जानवरों से उनका बहुत प्यार था। निजी जिंदगी के साथ साथ हेल्थ पे उन्होंने काम किया। कोविड में आपको याद होगा बहुत सारी कंपनी का टर्नओवर नहीं होता, 1500 करोड़ रुपए उन्होंने जब प्रधानमंत्री ने, मोदी ने आह्वान किया, उन्होंने दान में दे दिया था। अपने 65% उन्होंने पहले से उन्होंने ट्रस्ट में डाल दिया था। बाकी जो पैसे बचते थे वो भी पैसे वो लोगों के भलाई के लिए दे देते थे। एक किस्सा मुझे याद है, एक पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू में कहा कि आपकी ख्वाहिश है क्या है, अब तो अध्यक्ष पद से हट गए हैं, क्या सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे गिटार और बाकी चीजें, संगीत से जुड़ी चीजें सीखनी है। तो उन्होंने कहा आप तो कर सकते हो, इसलिए तो उन्होंने कहा कि उसके संसाधन बहुत महंगे हैं। तो उन्होंने कहा आपके लिए संसाधन महंगे, उन्होंने कहा हाँ 1 लाख रुपए का है, तो मेरी आदत नहीं है कि मैं इतने पैसे अपने लिए खर्चा कर सकूँ। वो सादगी दिखाता है। नीरज चोपड़ा से उनकी मुलाकात हुई तो जिस हम्बल तरीके से मिलते थे, वो एहसास ही नहीं दिलाते थे। टाटा रतन, मेरे मेरे भैया की पहली नौकरी लगी TCS पुणे में, तो उन्होंने जब रतन टाटा से मिले तो उनकी आंखों में आंसू थे कि मतलब वो नॉर्मल MD CEO के अलावा, मतलब एम्प्लॉयड से जब मिलते थे वो लगता था कि क्या है। और रतन टाटा, मैं तो कहता हूँ, करोड़ों लोगों के सपनों को पंख देने वाले, आज एक तरीके से टूट गया। शायद रतन टाटा जैसा कुछ होगा। मैं तो ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, मैंने बहुत चीजें देखी।
बिल्कुल अश्विन, जिस तरीके से आपने इतने सारे किस्से बताए और इमोशनल कनेक्शन आपका देखा गया, क्योंकि खुद आपने उन चीजों को काफी करीबी से महसूस किया है। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद मुंबई से आते हैं और उनके कारोबार को लेकर कई सारे किस्से आप हमें बता रहे थे, वो किस्से क्या थे, जरा डिस्क्राइब कीजिए। जी, अगर आप 2024 के अगर हिसाब से देखें तो आज 2024 में इंडिया मोस्ट 2024 काफी लंबे टाइम से जो है टाटा मोटर जो है इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल जो है कंपनी है। इसका अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स की कंपनी का अगर देखा 1998 में किस्सा याद आता है, जब रतन टाटा जी ने खुद की एक कार मैन्युफैक्चरिंग बनाई थी जिसका नाम था इंडिगो। उन्होंने वहाँ पे जब कार लॉन्च की थी तो उस टाइम पे एक किस्सा याद आता है, जब वो फोर्ड मोटर के पास चले गए थे कि ताकि उनको ये आइडिया लग गया था शायद कि ये इतना सक्सेस करेगा नहीं। फोर्ड ने एक तरीके से बेइज्जत करते हुए उन्हें वहाँ से कह दिया था कि जब आपको इसका कोई आइडिया नहीं था या आपको इस फील्ड का कुछ नॉलेज नहीं थी तो आपने इस पर क्यों कदम रखा। लेकिन अगर आप 2024 की बात करें तो आज टाटा मोटर्स जो है एशियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है, और वही अगर मार्केट वैल्यू की बात करें ग्लोबली तो आज टाटा मोटर्स स्टैंड करता है $70 बिलियन। अगर मैं फोर्ड की बात करूँ तो फोर्ड काफ़ी पीछे रह चुका है आप तो, लेकिन अगर टोटल टाटा कंपनी यानी टाटा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो उसका टोटल वैल्यू $365 बिलियन है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से माना जाए कि अगर रतन टाटा को विजनरी कहें या एक डायमंड कहें, जो एक तरीके से इंडिया को एक लॉस हुआ है वो एक तरीके से कभी रिकवर हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। जानवी, आपके पास भी कुछ किस्से थे। जैसे उन्होंने कार की बात की, टाटा मोटर्स की बात की, उसी से मेरा एक रिलेटेड किस्सा है नैनो। नैनो एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत बड़ा नाम है, पर सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने एक बहुत बड़ा लेजेंड, बहुत बड़ा जेम, मतलब शब्द नहीं है, हमने बहुत कुछ खो दिया है, भारत ने बहुत कुछ खो दिया है। इसका अंदाजा ना हर एक यहाँ पे भी चल रहा है, पूरा भारत रो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने रतन टाटा जी को खो दिया। तो उनका किस्सा कुछ यूँ था नैनो का, कि वो एक दिन गाड़ी से जा रहे थे तो उन्होंने बारिश में देखा कि एक कपल बाइक पे बैठा हुआ है, और क्योंकि उस टाइम पे बाइक थी 50, 60 या 40 इतने तक ही मिलती थी बाइक, तो उनके माइंड में आया कि यार क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं जो एक मिडिल क्लास पर्सन यूज़ कर सके, उतने कम प्राइस में हो, सही रहे, उनको इतनी बारिश में ना भीगना पड़े, धूप ना झेलनी पड़े, कुछ सस्ता और टिकाऊ। तो उन्होंने उनके पास नैनो का आइडिया आया। अब नैनो की टैगलाइन थी कि 1 लाख रुपए में नैनो और मिडिल क्लास पर्सन उसको आराम से खरीद सकता है। अब क्योंकि गाड़ी बहुत महंगी आती थी तो कोई भी नॉर्मल पर्सन सोचता भी नहीं था कि भाई मैं गाड़ी जाके खरीदूँ या कुछ करूँ। तो ये आइडिया बहुत ब्रिलियंट था, बहुत अलग था। इसी टैगलाइन से, इसी तरीके के एड से उन्होंने शुरू किया कि भाई मिडिल क्लास 1 लाख, तो सबके माइंड में था नैनो, किसी के माइंड में नहीं था। सबके माइंड में था कि 1 लाख की गाड़ी है, कोई भी मिडिल क्लास पर्सन उसको खरीद सकता है। तो ये बहुत ही ग्रेट, बहुत ही अलग विजन था। काफ़ी लोगों ने उस वक्त नैनो खरीदी क्योंकि उसका हार्ड कोर 1 लाख ही प्राइस था। हर एक बंदे ने वो जो गाड़ी जाके खरीदी, उस टाइम एक ट्रेंड चल गया था कि हर जगह आपको दिखेगी तो सिर्फ नैनो नैनो नैनो, छोटे से छोटे बंदे के पास, गरीब से गरीब एक बंदा खरीद ले रहा है नैनो। तो उस वक्त टाटा जी को ये फील हुआ था कि यार हाँ कि मैंने कुछ बढ़िया किया है, लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि लोगों के दिमाग में था कि 1 लाख की गाड़ी, तो हर कोई जज कर ले रहा था एक दूसरे को कि यार 1 लाख की गाड़ी खरीदी है। तो इस वजह से उनको थोड़ा सा लगा, लेकिन बाद में उन्होंने नैनो के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की। एक बहुत अच्छा विजन उन्होंने दोबारा से क्रिएट किया कि नहीं नहीं नैनो लाख की नहीं है भाई, नैनो आपके काम की गाड़ी है। तो उन्होंने उसमें भी बहुत ज़्यादा काम किया। तो आज लोग टाटा जी को हज़ारों उनके किस्से हैं, हजारों बातें हैं जिनसे उन्हें याद कर सकते हैं, लेकिन नैनो वाला किस्सा लोग कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा याद रखेंगे। जनु, इसमें एक बात और ऐड करना चाहिए दर्शकों को, जैसे अगर बात करें हम ना कि नाना टेटो, आज के उद्योगपति का नाम आता है तो लोग के जहन में आता है कि अपनी जेब भरेंगे, भ्रष्टाचार। टाटा के साथ ऐसा नहीं था। आप देखिए, उन्होंने पहले ही अपनी संपत्ति 65% उन्होंने दान करने के बाद जो प्रॉफिट होता था उसके पैसे वो अंतिम क्षण तक डालते थे कि नैनो कहीं से एक रफ्तार पकड़ ले और एक आम आदमी के जीवन में कैसे सुविधा पहुंचा सके, जिसे कहते हैं ना कि जनहित के लिए सोचना, जनता के लिए सोचना। बिल्कुल बिल्कुल अश्विन, आपने बिल्कुल सही कहा। और टाटा ग्रुप और रतन टाटा जी एक ऐसे इंसान थे जिनका राज ना केवल घर के किचन से शुरू होता था बल्कि वो राज आसमान तक जाता था। और जानवी, जिस तरीके से आपने बताया कि उन्होंने एक परिवार को देखा, उसके बाद आइडिया आया उनका और सोचा क्यों ना मैं इनके लिए भी कुछ करूँ। अपने लिए तो जिंदगी हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ये काफी मुश्किल होता है। और ऐसे रतन टाटा जी थे जिन्होंने दूसरों की जिंदगियों के बारे में सबसे अधिक सोचा। ऐसे अनकहे बहुत सारे किस्से हैं। आपके पास भी एक किस्सा था, अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे।
सबसे पहले देश के विख्यात आदरणीय रतन टाटा जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और श्रद्धांजलि के साथ साथ उनके किस्से की शुरुआत करूँ, पहले किस्से में सबसे पहले उनके चरण की शुरुआत करता हूँ। 28 दिसंबर 1937 को सुनी टाटा जी की कोक से जन्मे एक ऐसा पुष्प खिला जिसका नाम रतन टाटा पड़ा। और वो नाम, उस नाम की परछाई आज विश्व के एक एक कोने कोने में गूंज रही है। आज उनका दुनिया से अलविदा कहना हमारे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने जो इंसानियत के कार्य किए, उनके कार्य को हमेशा याद रखा जाएगा। सबसे पहले का अगर उनके कार्यों की बात की जाए, जो उन्होंने कार्य, उनके जो कार्य की शैली थी, उनका जो व्यवहार था, जो कार्य शैली थी उनकी मिडिल क्लास के लोगों के लिए थी। जैसे मेरे मित्र बताए थे कि उन्होंने देश में कैंसर के अस्पतालों की शुरुआत की। कैंसर एक ऐसी दीमक बन चुका है, एक बार जिसमें घुस जाता है तो उसका नष्ट होना तय है। उन्होंने देखा कि हमारे देश की जो स्थिति है, लोगों की स्थिति है, वो कैंसर का इलाज जो है इतना महंगा इलाज है, लोग नहीं करा पाते। उसके लिए तमाम ऐसी सुविधाओं को उन्होंने पहुंचाने का, लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। तो ऐसे अनेक कार्य से वो हमेशा दुनिया के एक एक व्यक्ति के दिलों में रहेंगे। और उनका एक किस्सा याद आता है कि इतने शिखर के पहुँचे, इतनी ऊंचाई के शिखर पर पहुंचने के बावजूद वो एकदम ग्राउंड लेवल से जुड़े थे। एक किस्सा था, उनका किस्सा ये था कि इंग्लैंड का एक सर्वोच्च सम्मान था, वो सम्मान आदरणीय रतन टाटा जी को मिलना था। और उस किस्से में ये किस्सा, उनके दो डॉग थे, तो उनके दो डॉग की अचानक तबीयत खराब हो गई और इंग्लैंड से प्रिंस चार्ल्स, उस टाइम जो राजा थे, उनका कॉल आया कि टाटा जी आप सम्मान के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कॉल करके मना कर दिया कि मैं, मेरे डॉग की तबीयत खराब है और मैं इस सम्मान को अभी नहीं ले पाऊंगा। वहीं अगर हमारे देश की बात की जाती कि एक छोटे से किसी भी कार्य समारोह में एक छोटा सा सम्मान जो होता है उसको लेने के लिए हम जैसे लोग भी पहुंच जाते हैं, पर उन्होंने इंग्लैंड के एक सर्वोच्च सम्मान को मनाही कर दी। उनकी इंसानियत देख सकते हैं कि डॉग की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने मना कर दी। तो ऐसे तमाम उनके किस्से हैं, उन्होंने लोगों को जो आरामदायक सुविधाएं पहुंचाई, देश की एक ऐसी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, शायद हमारे क्या पूरे देशवासियों के जीव दिल से कभी नहीं निकल पाएंगे। और अपनी बात को विराम देते हुए कहूँगा कि भारत के रतन भगवान के हुए, उनकी यह चमक यूं ही बनी रहेगी। एक बार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके चरणों में नतमस्तक करता हूँ। रतन टाटा जी अमर रहे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से रतन टाटा जी को जाना जाता है, उनके बड़े दिल को लेकर और हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे वो, और वो बेसिक जानवर ही क्यों ना हो, काफ़ी कुछ ऐसी बातें जिस तरीके से हमने शुरुआत में ही बताए, ऐसे किस्से हैं कि उन्हें बताते बताते हमारे पास समय की कमी ज़रूर हो जाएगी। आप भी उनके बारे में काफ़ी बातें अभी कर रहे थे, काफ़ी देखिए उनकी जो ज़िंदगी से जुड़े तमाम बातें हैं वो हर किसी को पता है। उनके जो किस्से हैं ऐसे वाले, वो सबके ज़ुबान पर हैं और आपके सामने हैं कि किस कदर जो है आज सब उनको याद करके भावुक हो रहे हैं, नम आंखों से उनको याद किया जा रहा है। आप भी कुछ बता रहे थे अभी। मैं ये बता रहा था कि रतन टाटा जी ने जो भारतीय के क्रिकेटर्स हैं उनको उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचने में जो योगदान दिया है, जैसे युवराज सिंह की अगर हम बात करें कि वो भी एक कैंसर पेशेंट थे, उनके लिए भी काफ़ी उन्होंने मदद की। फिर हम देख सकते हैं, फिर युवराज सिंह ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 के ODI वर्ल्ड कप में भारत के लिए कितनी अच्छी योगदान दी। हरभजन सिंह का उन्होंने काफ़ी साथ दिया, जो अभी BCCI के सेलेक्टर है अजीत अगरकर, उनका भी काफ़ी साथ दिया। और यही नहीं कि भारत के खिलाड़ी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर मार्नस लबुशेन का भी उन्होंने काफ़ी साथ दिया है। आज वो क्रिकेटर रिटायर हो चुके हैं मार्नस लबुशेन, लेकिन आज भी उनकी बातें होती हैं, उनको भी योगदान दिया। तो हम ये जान सकते हैं कि उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स नहीं, बाहर के लोगों के लिए भी काफ़ी मदद करी हैं रतन टाटा जी।
बिल्कुल। मुझे और कुछ किस्से याद आ रहा है, मैं अगर आप इजाजत दें समय का वहां सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, रोहित भाई से भी बात हुई थी मेरी आज जब ये पूरी घटना घटी। उन्होंने हर सेक्टर में, एक टी सेक्टर था जिसमें आप कॉफी बहुत सारे ब्रांड के नाम जानते हैं, उसमें किस्सा आप रोहित भाई बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने चेंज ले आया और फूड सेक्टर में भी उन्होंने कदम रखा और सब कुछ बदल दिया। ये बात आया थी, ये इंग्लैंड की है, जब रतन टाटा जी एक बार इंग्लैंड विजिट किए थे तो उस टाइम पे एक बड़ा ब्रांड है जिसका मैं नाम लेना तो नहीं चाहता हूँ, उन्होंने एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया था रतन टाटा जी को। उस टाइम पर रतन टाटा जी ने एक तरीके से डिसाइड किया था कि मैं खुद एक टी ब्रांड बनाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। उस ब्रांड का नाम है टिटली, हम सब जानते हैं, ऑफकोर्स हम सब ने उसका घर पे हम सेवन करते हैं। ग्रीन टी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी भी है। तो अगर टिटली की ना बात करें, टिटली की बात करें या चाहे एयरलाइंस की बात करें या कहीं और अदर फील्ड्स की भी बात करें, तो टाटा रतन टाटा जी का कोई मतलब रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता है, मैं यही कहना चाहूँगा। एक लास्ट में बोलना चाहूंगा आपको, जैसे हम हिंदी टर्म से बोलते हैं ना कि आवारा पशु या आवारा कुत्ते, आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई जो उनका मेन ताज है, ताज होटल में कोई भी आवारा अगर कुत्ता उनके आसपास रहे तो मैनेजमेंट को हिदायत दी गई इसको भगाना नहीं, उसके लिए स्पेशल खाना और पानी की सुविधा है। और ताज जैसे 7 स्टार 5 स्टार किसी भी उनके जो ब्रांचेस है वहां जाके वो सो सकता है रह सकता है, ये उनके अंदर का दर्शाता था कि आप इंसानों के लिए सब कुछ करते हो जानवरों। अश्विनी यहाँ से एक चीज मुझे याद आई, अक्सर ही सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई हैं कि जब टाटा की कार का जो शोरूम होता है उसमें जो बाहर के स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको बैठने के लिए एसी में बैठने के लिए पूरी जगह दी जाती है, इवन उनका आईडी कार्ड तक बनाया जाता है। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है जब हम देखते हैं टाटा मोटर्स के किसी भी शोरूम में किसी मतलब उसको एम्प्लॉय की एक तरीके से पूरी जगह दी जाती है, उसका आइडेंटिटी कार्ड बना दिया जाता है और उसको वहां पर एसी में बैठने की जगह दी जाती है, खान पान का उसका ध्यान रखा जाता है। ये वीडियोस भी काफी वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर वक्त वक्त पर और ऐसी अनेकों वीडियोस जो हमने देखी हैं। और जिस तरीके से अगर हम उनके कारोबार की बात करें तो देखिए कारोबार कुछ इस कदर उन्होंने खड़ा किया, इस ब्रांड को टाटा ब्रांड को एक ऐसा विश्वसनीय ब्रांड बनाया उन्होंने अपनी मेहनत से, जिसको लेकर आज पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी विश्वास टाटा ब्रांड पर किया जाता है। टाटा का अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको आंख बंद करके लिया जा सकता है क्योंकि वो इतना विश्वसनीय ब्रांड जो है वो बन चुका है। ये कारोबार की मेहनत थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनकी जो कारोबार से जो इनकम थी उसका आधे से ज्यादा हिस्सा जो है अश्विन वो आम जनता की सेवा के लिए जाता था और ऐसे कई जगहों पर जाता था जहां पर न सिर्फ लोगों की बल्कि जानवरों की भी देख रेख होती थी और उनके सहयोग उनको दिया जाता था। तो ऐसे थे रतन टाटा जी और आज पूरा देश उनको नम आंखों से याद कर रहा है। और कुछ कहना चाहते हैं जी? जैसे इन्होंने विश्वास बोला तो भारतीयों के लिए है टाटा मतलब भरोसा, और टाटा जी ने कई लाइफ चेंजिंग कोर्स देखे हैं जिसमें से एक ये है कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो आप अकेले चलिए और अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो आप सबको साथ लेकर चलिए, और इसी तरह सबको साथ लेकर उन्होंने दुनिया को अलविदा किया। बिल्कुल, ये ऐसे विचार हैं उनके, इतने प्रेरणादायक विचार हैं उनके कि अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में इनको अमल में लेकर आएं तो ज़रूर उनके जैसा तो कोई नहीं बन सकता। कहते हैं ना कि रतन टाटा जैसा बनना आसान नहीं है और बनना संभव भी नहीं है, उनके जैसा तो नहीं बना जा सकता, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम उनके विचारों को अपने जीवन में अगर शामिल करते हैं, उनके इन विचारों को ध्यान में रखते हुए उनको प्रेरणा स्रोत मानकर आगे बढ़ते हैं तो ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल कर सकेंगे। तो आज इंडिया न्यूज़ नम आँखों से भावभीनी श्रद्धांजलि रतन टाटा जी को अर्पित करता है।